रेगुलर लगती हैं क्लासेस आपकी? रेगुलर प्रोफेसर 5 मिनट पहले आ जाते और गेट बंद हो जाता। अगर आप पूछ भी लो पूरे बैच में तो यूपीएससी वाले और इधर एमबीए वाले आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे एग्रीकल्चर में। प्लेसमेंट की बात करें, लोग कहते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कर लेने के बाद हमें कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिल जाता है। हाँ सर, किस तरीके की कंपनीज आती भी है कि नहीं आती? हाँ सर, प्लेसमेंट के लिए। अच्छा, यहाँ पे क्या चलता है, ऑनर्स सुविधा चलता है कि ऐसे यूँ ही कैसे पढ़ाए जाते हैं, सेमेस्टर पढ़ाई कैसे होती है? सेमेस्टर में पढ़ाई सर तो मतलब जैसे ऑनर्स ही होता है अपना हिसाब। जैसे आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिला? सब्जेक्ट सबका सेम होता है। नमस्ते दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीएचयू स्टूडेंट लाइफ। आज के इस टॉपिक में हम आपको एग्रीकल्चर वालों से मिलाने वाले हैं, बीएससी एग्रीकल्चर। हाँ जी बिल्कुल, सारी चीज़ें बताएंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर में कैसी पढ़ाई होती है, किस रैंक से पिछले बार लोग यहाँ पे एडमिशन लिए हैं, क्या क्या फीसेज हैं और हॉस्टल की सुविधाएं कैसी हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सौरभ कुमार सर। सौरभ कुमार, कहाँ से हैं सौरभ आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, क्या सुविधा लगा बीएचयू आपको, कैसा लगा यहाँ पे आए आप? सर सुविधा के नाम पे तो बहुत सही है, लेकिन वही है कि थोड़ा हॉस्टल अलॉटमेंट में होता है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीट होता है, नंबर ऑफ सीट होता है, उसके कारण हर किसी बच्चे को यहाँ हॉस्टल नहीं मिल पाता है। हाँ। जैसा कि यार यहाँ पे फैसिलिटी है जैसे बी आर्ट्स हो गया, उन सब में भी यही सेम है ना कि सब बच्चों को तो नहीं मिल पाता है। सब बच्चों को नहीं मिल पाता तो वैसा ही एग्रीकल्चर में भी है। अच्छा, सबको नहीं मिल पाता। पिछली बार एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम बीएचयू एग्रीकल्चर ने लिया था, इस बार CUET के थ्रू हो गया है, NTA पेपर कराएगी। क्या डिफरेंस होने वाला है इस पहले से और अब में? देखिए पहले जो पेपर होता था वो बेसिकली जो BHU इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं वेरिएशंस नहीं करता था, जो NTA होगा शायद मतलब थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा करे, मतलब जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो ज़्यादा चेंज करे, क्योंकि BHU में क्या होता था ना जैसे पिछले 4-5 साल से अगर आप पेपर बना लो इसका तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाता था, लेकिन अब NTA करेगा तो मतलब हर साल तो वेरिएशन तो आएगा ही क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा बढ़िया हुआ है। और नेशनल लेवल पे होगा तो मतलब अलग अलग स्टेट से बच्चे आएंगे, ज़्यादा आएंगे, वेरिएशन बच्चे में ज़्यादा आएगा, इधर मैक्सिमम बच्चे आपको यूपी बिहार इधर वेस्ट बंगाल के ही आपको मैक्सिमम बच्चे मिलेंगे। तो अभी थोड़ा क्या CUET से नेशनल लेवल का होने के बाद कई जगह से लोग आएंगे, दूर दूर से इंडिया से बच्चे आएंगे तो फिर ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, फिर अच्छा रहेगा। अच्छा, अगर हम बात करें 2021 की तो क्या कट ऑफ बना था 2021 में? सर उस टाइम शायद इस बार नंबर बढ़ा था, हम लोग का जो क्या बोलते एडमिशन तो 2020 का है, हम लोग थर्ड ईयर के अभी फिलहाल। 2020 में क्या कट ऑफ था सर आपका? क्या सर मेरा रैंक तो 80 था सर, 79 के आसपास, 79-80 था और नंबर कुछ याद नहीं है सर मेरे को। 80 रैंक काफ़ी है वैसे। पहले जो पेपर होते थे वो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता था, अब NTA और CUET से एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया है, तो ये कट ऑफ बढ़ता रहेगा, ये इंडेक्स बढ़ेगा और घटेगा, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। सिलेबस थॉरली अगर हम बताएं तो क्या NTA ने सिलेबस कुछ बदला है कि वही चीज़ है? सर सिलेबस तो जनरली वही आपका नीट वाला जो सिलेबस रहता है, जनरली बच्चे आपको इधर जो मिलेंगे सब वही नीट वाले ही होते हैं जो 2-3 साल तैयारी कर चुके होते हैं, जिनका नीट में थोड़ा कम मार्क्स के लिए कुछ मार्क्स के लिए छूट जाता वही आ जाते हैं एग्रीकल्चर, मैक्सिमम बच्चे आपको वही मिलेंगे। अच्छा, मैक्सिमम नीट के ही लोग मिलेंगे? नीट के ही लोग मिलेंगे, तो सिलेबस आपका वही नीट वाला ही रहता है लगभग। अच्छा, चलिए हम यहाँ पे आ गए, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करवा लिया, काउंसलिंग के लिए आए। काउंसलिंग में क्या क्या चाहिए होता है, क्या चीज़ें काउंसलिंग में लेकर के आनी चाहिए, प्रिपेयर किस लिए रहना चाहिए? सर देखिए प्रिपरेशन काउंसलिंग के लिए तो आप इधर आइएगा, आपको पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट्स का, कुछ खास इशू करते नहीं है लोग, मतलब बहुत सपोर्टिव है यहाँ के स्टाफ अगर काउंसलिंग के लिए आप आओ तो। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका छूट गया है, जनरली आपके 12th के मार्कशीट, TC और यही सब जो आपके 12th वाले होते हैं वो सब ले आइए, और बादा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट भी जाता तो ये लोग 1 महीने का टाइम दे देते हैं, आराम से भरो आराम से दो, सिर्फ एक वो अंडरटेकिंग भर के देना होता है। अंडरटेकिंग कराइए और मोहलत पा जाइए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, लोग नीट से 2 साल प्रिपरेशन किए यहाँ पे एडमिशन ले लिए, लोग एडमिशन तब लेते हैं जब लगता है कि हम BHU में पढ़ेंगे साथ में तैयारी भी करेंगे नीट की। हाँ सर, ये ऐसा होता है ना जैसे फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं जनरली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक सारे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं नीट के, अभी इस साल वाले जो बच्चे आए हैं जो इस साल फर्स्ट ईयर में जिनका अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है वो बच्चे अभी मैक्सिमम बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी 17 तारीख एग्जाम है उनका, सारे लगे हुए हैं उसी में, मैक्सिमम बच्चे तो आए ही नहीं है अभी हॉस्टल में ही नहीं आए, जैसे अभी सेमेस्टर चालू हुआ है ना तो उसके बाद बच्चे आए ही नहीं है, हॉस्टल खाली है, उनके नाम पे हॉस्टल अलॉट है बच्चे ही नहीं है। धीरे धीरे अलॉटमेंट भी स्टार्ट, ब्रोचा वाले भी आना स्टार्ट किए हैं, BSc वाले नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हॉस्टल में भी रह रहे हैं, 2-2 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं, तो क्लासेस कैसी चली हैं, क्या नीट में कुछ मदद करती हैं क्लासेस BHU की एग्रीकल्चर की? सर फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है जनरली तो वो तो 11-12 का जो बायोलॉजी होता है वही रहता है, तो अगर आपका 11-12 का बायोलॉजी बढ़िया है तो आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तो निकल जाएगा। हाँ, तो उसमें कुछ खास दिक्कत होगा नहीं आपका। और फीस कितना है
हर सेमेस्टर वाइज फीस जमा करते हैं कि ईयरली जमा? नहीं, हर सेमेस्टर वाइज फीस जमा होता है हम लोग का। ऐसे मतलब जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा फीस था कुछ 2900 रुपये, 3000 रुपये के आसपास था। जब एडमिशन के वक्त ही फीस जमा हो जाता है, तो पहला सेमेस्टर का फीस आपको एडमिशन के वक्त ही जमा कर देना होता है। फिर दूसरा सेमेस्टर का फीस आप यहाँ आइएगा, आपको SBI कलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उधर से आप कलेक्ट करके मतलब आप भरिए। ऑनलाइन ऑफलाइन जमा कर सकते हैं, और इवन और ऑड सेमेस्टर्स में फीस डिफर करते हैं, होता है हमेशा ही डिफर करता है। जैसे इवन सेमेस्टर का फीस होता है वो 1500 से 2000 के बीच में होता है, और जो ऑड सेमेस्टर वाला होता है 500, 150, 200 ऐसे ही रहता है। अच्छा, ICER का कुछ सीट है आपके BHU एग्रीकल्चर में? हाँ, कितनी सीट है लगभग? 15 के आसपास सीट है। 15 के आसपास सीट है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि ICER से जो एडमिशन लेता है उसको मंथली कुछ स्कॉलरशिप भी मिलता है? हाँ, 3000 के आसपास मंथली स्कॉलरशिप है, तो इसीलिए BHU का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, क्योंकि इधर फीस कम है, हॉस्टल मतलब एक तो यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है, फिर फीस कम है, तो जो स्कॉलरशिप का पैसा होता है वो बच जाता है उस हिसाब से। दूसरा ये ICER का जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें फीस इतना ज़्यादा है कि वो जो स्कॉलरशिप का पैसा होता है वो फीस में ही चला जाता है, बच्चे के पास कुछ बचता ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है ICER में। और ICER की जो फीस है और बेसिक BHU एग्रीकल्चर की जो फीस है, दोनों सेम है? लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, 1000-1500 का बस अंतर होता है। अच्छा, और एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी बेस्ट कोई कॉलेज क्या बताना चाहेंगे, क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? जैसे ICER से तो आपको कुछ यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटीज जो इससे बड़ी बेहतर है, मतलब जो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर का एक उसका ये है ना डिपार्टमेंट है, फैकल्टी है, पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के लिए, जैसे GB पंत हो गया, फिर उधर मतलब हिसार का एक है कॉलेज है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, वो भी कॉलेज बहुत बढ़िया है। तो मतलब आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, वो भी बढ़िया है, तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से स्पेसिफाई कीजिए, यहाँ फीस भी कम होता है तो तब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे क्या चलता है, ऑनर्स सुविधा चलता है कि ऐसे यूँ ही कैसे पढ़ाए जाते हैं, यहाँ सेमेस्टर पढ़ाई कैसे होती है? सेमेस्टर में पढ़ाई सर तो मतलब जैसे ऑनर्स ही होता है अपना हिसाब। जैसे आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिला? सब्जेक्ट सबका सेम होता है सर, सबका सेम होता है, और सब में डिफर करता है लोगों में, आप में सबका सब्जेक्ट सेम होता है? हाँ, सबका सेम होता है, जितने बच्चा एडमिशन ले रहे हैं सबका सब्जेक्ट सेम होगा, आप एक ही साथ एक ही में पढ़िए, आप एक ही सब्जेक्ट होता है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 13 सब्जेक्ट है, तो आपको उस हिसाब से एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर ये सब अलग अलग होता है। स्पेशलाइजेशन ऑनर्स कुछ देते हैं क्या इसमें? नहीं सर, अभी ऑनर्स नहीं चलता, नहीं अभी नहीं, आपको पर्टिकुलरली हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सब आपको सब पढ़ाया जाएगा आपको BSc में। तो मास्टर्स में हमें कैसे पता चलेगा कि मैं किसके लिए अप्लाई करूंगा, मास्टर्स में किस सब्जेक्ट में जाऊंगा? जैसे कुछ लोग सॉइल साइंस में जाना चाहते हैं, एग्रोनॉमी में जाएंगे कई, तो कैसे पता चलता है कि हमको इसी में जाना है? सर जैसे कि आपको पढ़ाया जा रहा है BSc में, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सबको अपने अपने नंबर आते हैं, तो आप अपना एक इंटरेस्ट डेवलप कर जाते हो सर। हर सेमेस्टर में आपको पर्टिकुलरली अलग अलग सब्जेक्ट होता है, तो आप जब सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपका इंटरेस्ट जगता है, इंटरेस्ट जगता है तो फिर आप MSc में डिसाइड करते हो, JRF RF का अगर प्रिपरेशन करते हो तो उसमें आपको पता चलता है ना, जैसे कि हमको ये लेना, हमको ये पसंद है, हमको ये इसमें मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो आप MSc में जाकर डिसाइड करते हो कि हमको कौन सा सब्जेक्ट से करना है। जैसे हमारे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ऑनर्स चलता है, तो हम लोग अगर मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स है तो मैं ज्योग्राफी से ही मास्टर्स कर सकता हूँ और किसी सब्जेक्ट से नहीं कर सकता, फिर रिसर्च भी वहीं पे। यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि आप एग्रीकल्चर से BSc कर रहे हो तो आप हॉर्टिकल्चर में भी जा सकते हो, हॉर्टिकल्चर से भी कर सकते हो, फिर सोल साइंस भी होता है, फिर एग्रीकल्चर बॉटनी, एग्रोनॉमी होता है, फिर और भी ढेर सारा इसमें मतलब सब्जेक्ट, इसमें बहुत वैरायटी मिलता है ना, सबसे बढ़िया बेनिफिट डाइवर्सिटी है, मतलब आप मास्टर्स में बहुत सारी चीज़ें चुन सकते हैं। मास्टर्स भी 2 साल का होता है कि ये 2 साल का होता है? 2 साल का होता है। ये BSc एग्रीकल्चर कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। 4 साल का होता है। तो मास्टर्स की प्रिपरेशन आप लोग मतलब जो नीट वाले होते हैं, JEE वाले होते हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो कॉमर्स लिया है, जो बायोलॉजी लिया है, जो मैथ लिया है, कौन कौन लोग यहाँ पे उसका एग्जाम दे सकते हैं? BSc एग्रीकल्चर सर देखिए, इसमें मतलब बायोलॉजी जिनका है 12th में, जिनका साइंस है बायोलॉजी मैथ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप दे सकते एग्ज़ाम। लेकिन जनरली क्या होता है ना, बायोलॉजी वाले बच्चे ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं मैथ के मुकाबले, तो बायोलॉजी वाले ज़्यादा इसमें आ जाते हैं और मैथ वाले कम हो जाते हैं। पहले ऑप्शन दिया रहता था, पहले मेंटल एबिलिटी आती थी, केमिस्ट्री आता था, फिर फिजिक्स और मैथ एक साथ आता था। अभी भी लगभग वही है सर, अभी भी आपको वही ऑप्शन मिलेगा, वही ऑप्शन मिलेगा। सेम जो पैटर्न था BHU का, क्या वही पैटर्न CUET एग्रीकल्चर का भी वही पैटर्न है? नहीं सर, थोड़ा तो चेंज हो रहा है मतलब, बट मेजर चेंजेज जो आप कहिएगा ना वो नहीं है, तो हल्का फुल्का चेंज है। मतलब आप अगर BSc AG का तैयारी की हो BHU के लिए, तो आप CUET में बढ़िया से कर लोगे। अच्छा, आप लोग सीनियर हो गए हैं, कैसे जूनियर चाहते हैं आप लोग, नए जैसे बच्चे कैसे लोग आए? जूनियर्स तो सर आप आए बस, ये बढ़िया जगह है, अपने एंजॉय करें बस, जो सीनियर्स हैं उनकी थोड़ी रेस्पेक्ट करें और एंजॉय करो भाई। सीनियर रैग वैग लेते हैं कि नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं है सर, हमारे यहाँ तो बहुत चिल माहौल है, हमारे सीनियर्स मतलब अच्छे से आते हैं, अपना बात बात होता है बस। पूरे BHU में चिल माहौल है दोस्तों, ऐसा रैगिंग आज तक हमें नहीं सुनाई दिया। प्लेसमेंट की बात करें, लोग कहते हैं कि BSc एग्रीकल्चर कर लेने के बाद
हमें कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिल जाता है। हाँ सर, किस तरीके की कंपनीज आती हैं, आती भी हैं कि नहीं आती? हाँ सर, प्लेसमेंट के लिए कंपनियां तो आती हैं, और यहाँ पे बकायदे हमारे मतलब एक तो यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल तो आई, हमारा खुद का भी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है। हाँ। तो जो कि मतलब काफ़ी आप फर्स्ट ईयर में आप आओगे ना तभी आपको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का जैसे कुछ मेंबरशिप होता है तो आपको मेंबर्स बना दिया जाएगा, आपको अपने जैसे जूनियर मतलब जूनियर्स हो गए, फिर आपके बैच वाले हो गए, इन सबसे इंटरेक्ट करो आप। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में भी बहुत सारे सीनियर्स होते हैं जिनसे आप इंटरेक्ट करके मतलब एक बढ़िया मतलब ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है ना यहाँ का बहुत बढ़िया, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के मुकाबले मतलब जैसे कई दूसरे फैकल्टी जो यहाँ पर हैं उन सबसे बहुत बेहतर है इधर, बहुत बेहतर है। तो कितने परसेंट लोग प्लेस्ड कर दिए जाते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद? देखिए सर, यहाँ पे कंपनियाँ हर साल वेरी करती हैं। कौन कौन सी कंपनी वैसे आती है सर यहाँ पर? पान सीट्स और भी ढेर सारी हैं, ये तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल वाले जो होंगे वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। हम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट मतलब प्लेसमेंट एग्जिस्ट करता है बीएससी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से, और मतलब कोशिश होता है कि मैक्सिमम बच्चे मतलब लगभग 80-90% बच्चे प्लेस हो जाते हैं लगभग, आपको 80-90% बच्चे यहाँ से प्लेस हो जाते हैं, प्लेसमेंट मिल जाएगा लगभग। मास्टर्स क्यों नहीं करते उन लोग? मास्टर्स यहाँ जनरली सर आप वही है ना, नीट वाले हैं सब, मास्टर्स का ऑप्शन बहुत कम ही रखते हैं, या तो ये आपको इधर जैसे अगर आप पूछ भी लो पूरे बैच में तो यूपीएससी वाले और इधर एमबीए वाले आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे एग्रीकल्चर में। अच्छा। क्योंकि ये दोनों स्कोप ना एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा मतलब वो करते हैं, इधर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं आइए या तो यूपीएससी या एमबीए। चलिए, हॉस्टल्स कितने परसेंट लोगों को, जैसे कि कितने सीटें हैं लगभग यहाँ पे वो जो बीएससी एग्रीकल्चर है, यूजी में कितने सीट हैं? सर अब शायद 250 है हमारे में, तो 250 हैं हमारे बैच में, 250 लगभग, हाँ यही है लगभग, बड़ा नहीं है अभी तो फिलहाल, 250 ही है। 250, और इसमें से कितने लोगों को हॉस्टल मिल जाता है? लड़कों का बता सकते हैं सर, लड़कों में तो 60 के आसपास आपका अलॉटमेंट होता है, एक मतलब जैसे ईयर का 60 बच्चे आपको लड़के अलॉट हो जाते हैं, तो उस हिसाब से लगभग आप मान लो ना कि 50% से लगभग आपको मतलब लड़के अलॉट हो जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। कुछ और भी जानकारी क्या देनी चाहिए, यहाँ का कैंपस का इन्वायरमेंट कैसा, लड़कियाँ सेफ हैं यहाँ पे, अगर लड़कियाँ कोई दूर दूर से लड़कियाँ आ रही हैं? सर दूर दूर से लड़कियाँ क्या, नेपाल की लड़कियाँ यहाँ रह रही हैं और बहुत अच्छे से रह रही हैं, कोई किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होता, इतना बढ़िया माहौल है सर। पहले कभी सुना करते थे कि बीएचयू में कुछ हुआ करता था, बहुत पहले का कहानी, अब तो इतना बढ़िया माहौल हो गया, रात के 2 बजे भी लड़कियाँ घूम सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। माता पिता एकदम निर्द्वंद किसी को छोड़ सकते हैं घूम यहाँ पे कि जाओ बेटा पढ़ो आराम? हाँ पढ़ो आराम से, एंजॉय करो, बीएचयू मामना की बगिया है, इतना बढ़िया खूबसूरत बना के गए, ये एंजॉय कीजिए। चलिए, क्या एम है आपका, यहाँ से पढ़ के क्या बनना चाहते हैं आप? सर अभी तो फिलहाल मेरा इसके बाद एमबीए का ही प्लान था, लेकिन अभी जेआरएफआरएफ भी हम लोग सोच रहे कि जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था ना कि एमबीए का मेरा प्लान था, बट अभी फिलहाल के कुछ सीनियर से इंटरेक्ट किए, फिर प्रोफेसर लोग भी थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि एमएससी बढ़िया है इसको किया करो, तो जब नीट करके आप नीट का प्रिपरेशन करके आओ ना तो फिर इधर एग्रीकल्चर वाला थोड़ा लगता है ना कि एमबीए करो, इधर अलग माहौल मिल जाएगा आपको, एमबीए यूपीएससी के लिए अलग से बकायदे सीनियर जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं एमबीए और यूपीएससी वालों का, लेकिन मतलब सही है प्रोफेसर क्या आता है थोड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में आता है, सुना है नाम इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का, 1200 करोड़ मिलता है लगभग बीएचयू को, तो क्या उस क्राइटेरिया में स्टैंड करता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वैसा है, क्लासेस वैसी हैं? हाँ सर बिल्कुल, रेगुलर लगती हैं क्लासेस आपकी? रेगुलर, प्रोफेसर 5 मिनट पहले आ जाते हैं और गेट बंद हो जाता है, पंचुअल हैं? पंचुअल बिल्कुल, आपको टाइम पर मिलेंगे सारे प्रोफेसर। ये बीएचयू का मेरे को लगता है सबसे बढ़िया बात है ना कि यहाँ पे मतलब बच्चे से ज़्यादा प्रोफेसर हो यहाँ पे इंटरेस्टेड आपको पढ़ाने के लिए। अच्छा, एग्रीकल्चर में तो हम खासकर बता सकते हैं यहाँ प्रोफेसर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपको बताने के लिए या पढ़ाने के लिए। और बीएचयू में फैकल्टीज़ प्रेजेंट है, लेकिन ये जो एग्रीकल्चर है ये इंस्टीट्यूट है। यस, इंस्टीट्यूट है, थोड़ा फैकल्टी से बढ़ करके है। अगर आप यहाँ पढ़ते तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने की कोशिश है। यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट किया था वीडियो तो एक दीदी बैठी हुई थी, उन्होंने बोला कि पहले मेरा इंट्रो लिया, फिर उन्होंने बोला कि आप, मैं किसी और चैनल पे पढ़ाती हूँ, मैं आपके चैनल पे नहीं आ पाऊँगी, तो मैं आने वाले दर्शकों से ये बोलना चाह रहा हूँ एजुकेशनल मीडिया है, जितना सवाल पूछा कुछ गलत नहीं ने पूछा? सर गलत क्या है, आप तो हमारे हमारा प्राइड है हमारा इंस्टीट्यूट, उनके बारे में। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मिल करके। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत। अगर मैं ट्राई करूँ स्टार्ट करूँ, अगर कुछ गलत करूँगा तो फिर मना कर दीजिएगा? क्योंकि मैं ऑलरेडी, आपको पता है ना, मैं ऑलरेडी पढ़ाती हूँ ऑन कैमरा, तो इसलिए मैं ऑन कैमरा और के जल्द नहीं पढ़ाऊंगी, इनमें से मन नहीं कर रहा है ऑन कैमरा।
इन लोगों से पूछ लीजिए आप।